हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ये बन रहा है खाना, तो दाल मैंने बना ली है और सब्जी आलू की बना रही हूँ सिंपल। प्याज लहसुन मिर्च और थोड़ा सा जो यहाँ पे गोल्डी वाला मसाला आता है छोटे छोटे पैकेट में, उसका टेस्ट अलग ही होता है, वो वाले मसाले डाले हैं। और टमाटर डालूंगी पीस के इसमें। तो ये सिंपल सी सब्जी दाल चावल रोटी बनेगी। सुबह का खाना है, तो सुबह डेली नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ के बाद किचन में आके बस ये काम शुरू हो जाता है मेरा। तो और सब भी हेल्प कराते हैं, पर ये है कि जो किचन में होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे ये रामायण का दूसरे दिन का है, रामायण का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आप लोग को पता ही होगा कि रामायण 24 घंटे चलता है। आज सुबह से शुरू होगा तो कल सुबह तक, तो बस उसी की यहाँ पे तैयारी हो रही है। मेरे जेठ जेठानी हैं और ये सब जो बैग लेके आए हैं, ये रामायण बोलने वाले हैं। पूरा अपना सेटिंग लगा रहे हैं, माइक, अपने हारमोनिया, अपनी ढोलक, ये सारी चीज़ें अपनी खुद लेके आते हैं। और उसी के साथ स्पीकर में ये अपना गाते हैं। तो बस उसी की यहाँ पे हो रही है तैयारी। तो सब अपना तार वगैरह सब सेट कर लेंगे उसके बाद। तब तक यहाँ पे चौकी सजाई जा रही थी, चौकी सजी हुई है और पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार शुरू में पूजा होगी जो मेरे जेठ जेठानी करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे रामायण शुरू हो जाएगा। तो 24 घंटे तक रामायण चलेगा। तो पूरा डेकोरेशन वगैरह सब टेंट हाउस वाले ने पहले ही कर दिया था। चेयर्स वगैरह आई हैं, चारपाई वगैरह सब आगे लग गई हैं। तो पूरे द्वार जो बोलते हैं, पूरे द्वार में ये सारी डेकोरेशन हो रखे हैं, क्योंकि काफ़ी रिश्तेदार भी आएंगे और गांव के लोग भी आते हैं रामायण बोलने के लिए। और जो रामायण मेन कहने वाले हैं वो उनके लिए, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा रेस्ट ले लेके करते रहते हैं। तो यहाँ पे बस उसी की सारी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद हमारे यहाँ तिलक का प्रोग्राम होगा। रामायण ख़त्म होगा तो तिलक होगी। तो तिलक के एक हफ्ते बाद शादी है, जो लड़के के यहाँ तिलक चढ़ाने आते हैं, लड़की वाले आते हैं तिलक लेके। तो और जगह पे कुछ और भी बोला जाता है, हम लोग के यहाँ तिलक बोलते हैं। तो उसकी तैयारी हो चुकी है, हलवाई लगे अलग चुके हैं, खाना पीना मिठाई वगैरह सब वो लोग बना रहे हैं। और यहाँ पे बस ये लोग पूजा हो चुकी है। अब यहाँ पे रामायण शुरू हो जाएगा सुबह से, तो कल सुबह तक चलेगा। तो इस बीच में पूछिए मत हम लोगों की क्या हालत होती है, कोई ना कोई दिन भर। और जो रामायण बोलते रहते हैं उनके भी गले बार बार सूखते हैं, ठंडी का दिन है तो उनको भी बार बार गर्म पानी, नमक पानी और चाय चाहिए होती है। तो भीड़ भी, और जो आ रहे हैं उनको भी चाय पानी पिलाना होता है। तो पूरे समझ लीजिए जितने रामायण होता है उतने टाइम हम लोग की भी ड्यूटी लगी रहती है। और यहाँ पे ये हमारे यहाँ जिस जब कोई भी शुभ काम होता है तो नाउन आती हैं, वो रंग रंग बोलते हैं, कलर लगाती हैं पैर में। और वैसे भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई ओकेशन पे ही आती हैं, बिना ओकेशन के भी आके रंग लगा के जाती हैं। तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, कुछ राशन या पैसे वगैरह। तो ये हम लोग के यहाँ जितनी भी लेडीजें हैं सबके पैर में कलर लगाएंगी, तो अच्छा लगता है। ये रीति रिवाज हमारे यहाँ बहुत पहले से चले आ रहे हैं और हमें अपने से नहीं लगाना पड़ता कलर। जब वहाँ पे मैं रहती हूँ तो कभी कुछ पड़ता है तो अपने हाथ से ही लगा लेती हूँ कलर, क्योंकि शुभ माना जाता है। ये सुहागिन औरतें ज़रूर लगाती हैं, कोई भी शुभ काम पूजा पाठ होता है तो उसमें पैर में कलर लगाना बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे ये लगा देंगी कलर। तो जो जो खाली है सबको बुला, नहाने के बाद सुबह का टाइम है तो जो जो नहा लिया है उसको बुला के बस ये कलर लगा रही हैं पैर में। और मैंने तो ना आके खाना भी अपना चढ़ा दिया है, साथ ही बीच में आके इन्होंने बोला तो आके मैं कलर भी लगा के अब जाऊंगी, बाकी खाना फिर बनाऊंगी। और इस तरफ ये कपड़े सुबह सुबह के धुले हुए थे, तो इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं कि तार कम पड़ जा रही है। तो इधर ननद है मेरी, वो तार बांध रही थी नए नए कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े डालने की जगह ही नहीं हो रही है।
और इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। मेरी फैमिली भी काफ़ी बड़ी भी है, समझ लीजिए मेरे सास की ननद, सास की बहन, मौसी लोग, उनके यहाँ से उनके मामा लोगों के यहाँ से, फिर मेरी जेठानी के सारी बहनें मायके से, फिर हम लोगों के मायके से, उसके बाद इतने सारे हम लोग की खुद फैमिली है, मेरी ननद लोग के फैमिली से, मेरी जेठानी की बेटियों की यहाँ से आते हैं। तो इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं कि अच्छा तो लगता है, लेकिन उतना ही किचन में काम भी बढ़ जाता है, पूरे टाइम पूरा दिन ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब सुबह कब शाम हो रही है। बनाते खिलाते यही चल रहा है। यहाँ देख रहे होंगे बड़े बड़े दो बार दाल पलट के, उसी में चावल पलट के, तभी चूल्हा लेने की तैयारी हो रही है कि हम लोग अपना खुद का बड़ा वाला चूल्हा लेके रखेंगे, जो सिलेंडर में लगा के उसमें बड़े बड़े बर्तन चढ़ा के जल्दी जल्दी बन जाएगा खाना। तभी फ़िलहाल तो टेंट हाउस वाले आए हैं, जो हलवाई वगैरह लगे हैं उनका चूल्हा एक लेके बाहर लगा लिया गया है, क्योंकि छोटी गैस पे उतनी जल्दी जल्दी हो नहीं पाता, इतना ज़्यादा खाना जब बनाना है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने दूध तो इंडक्शन पे रख दिया है, दूध बॉयल हो रहा है, और इधर दाल पलट के डाल दी है, और ये यहाँ पे बड़ा वाला चूल्हा जो मैं बोल रही थी वो लगा के जेठानी मेरी सूजी का हलवा बना रही हैं, तो इसमें ये डाल रही थी इलायची, और वही घी में, देसी घी में भूंज के बढ़िया से, और उसके बाद चीनी डाल के पानी और ड्राई फ्रूट बाद में डालेंगी, इलायची बस। तो बना रही इधर, आप पीछे देख रहे होंगे कितने सारे हलवाई के बर्तन वगैरह सब रखे हुए हैं। और इधर देखिए मेरी सासू माँ बैठी हैं, और ये सासू माँ की ननद हैं वो आई हैं, और मेरी ननद है दीक्षा है, तो ये सारे लोग बातें चल रही हैं। और देखिए नीचे आंगन है ये मेरे घर का, तो लीपा गया है सुबह सुबह, गोबर से पूरा लीप के साफ किया गया है, और यहाँ पे हलवा बन गया है। तो मैं सब लोगों को हुआ और बाहर चला गया, सब लोगों को ट्रे लगा दिया था पहले ही, तो जितने भी बाहर थे उनको दे दिया गया था। तो ये घर में कुछ बच्चे बचे हुए थे, तो बस उनको फिर हलवा निकाल निकाल के वही दे रही हूँ कि एक बार सुबह का नाश्ता हो जाएगा, फिर खाना, फिर दोपहर तक सब खाना खाएंगे। तो इतने लोगों को खिलाना भी बहुत बड़ा काम हो जाता है करना, वैसे तो है, सभी लोग हेल्प करते रहते हैं एक दूसरे की, पर वही है कि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है बैठे बैठे वहाँ पे खड़े होके बनाती हूँ, तो यहाँ बैठ के करना पड़ता है, तो ज़्यादा दिक्कत कमर वगैरह तो पकड़ रही है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को मैंने रामायण दिन में जो शुरू हुआ था सुबह सुबह के टाइम का वो सुनाया है, और बहुत अच्छा होता है रामायण सुनना और करना, तो वही है। और यहाँ पे शाम के टाइम में बगल की चाची लोग सब आई हैं हम लोग की, और बुआ सास बैठी हैं, और बस सासू माँ की कंघी कर रही हैं। तो हम लोग क्या भाई, हम लोग करते हैं अपने सासू माँ की सेवा इसी तरह से, उनके बाल वगैरह वो अपने से नहीं करती कंघी शुरू से ही, हम सासू माँ के बाल काफ़ी लंबे थे तो अभी थोड़े से झड़ गए हैं, तो मम्मी बोल रही हैं कि देखो कितने बाल मेरे झड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी गई थी तो काफ़ी लंबे बाल थे, मेरे से ही थोड़े थोड़े कटिंग कराए थे, बोले धुलने में दिक्कत होती है। तो अभी वही बस मैं तेल लगा के इनकी कंघी छोटी कर दूंगी, और सब इकट्ठा हुए हैं तो बस बातें खूब चल रही हैं, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं और मुलाकातें सबसे हो रही हैं। बस रामायण आप लोग को दिखाया कितना वो जो ढोलक बजा रहे थे इतने मगन हो गए थे, इतनी अच्छी ढोलक बजा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में।
आप लोग को मैंने इसीलिए सुनाया। और यहाँ पे देखिए खाना ढेर सारा सभी लोगों के लिए बना है। कितने बड़े बड़े जो पतीले रखे हुए हैं, दो पतीले चावल, दाल, सब्जी और रोटी सेक रही हूँ मैं। दोनों ही गैसों पे दो तावे रखे हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पे सब लोग मिलके ये जो रखा हुआ है बड़ा वाला पतीला, ये पूरा भर के आटा गूंदा हुआ था। सारी की रोटियाँ मैंने सेक ली है, थोड़ी सी बची है। दोनों तवे पे जल्दी हो रहा, पीछे देख रहे होंगे आप लोग रोटी कितनी ढेर सारी रखी हुई है। तो ये खाना बन चुका है, अब खाना खिलाया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तब तक के लिए चलिए फिर, बाय बाय।